रजिस्टर कहाँ है? बोलो, लेटेस्ट दिखाओ बेटा, लास्ट पेज। इसके बाद कोई आया ही नहीं एप्लीकेशन। उत्तर प्रदेश के एक थाने की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसको देखकर फिल्म गंगा जल की याद आ गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक थाने में अचानक आईपीएस ऑफिसर थाने का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद ऑफिसर को थाने की व्यवस्था की असल सच्चाई देखने को मिली। रजिस्ट्रों में एंट्री नहीं थी, हेल्प डेस्क पर कोई पुलिस कर्मी मौजूद नहीं था, और फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। हेल्प डेस्क कौन देखता है बेटा? इधर है, कहां है रजिस्टर, कहां है? बोलो, लेटेस्ट दिखाओ बेटा, लास्ट पेज। सत्रह अक्टूबर 2021। इसके बाद कोई आया ही नहीं एप्लीकेशन, ऐसा कैसे हो सकता है? 16-12-21 के बाद 17-10-21 आता है, 17-12-21 आता है। देखो ये 12 है, दो लिखे हो, ऐसे दो लिखा जाता है जो जीरो जैसा हो। कौन लिखा है इसको? आपने लिखा तो सही करो, इसको कोई भी 10 ही पढ़ेगा, सही करके लिखो। अच्छा, दूसरे एक पेज में आप इसको दो दो क्यों लिख रहे हो? वेद के आप पेज की कमी है हम लोगों के पास? एक पेज पर आपको एक लिखना है, जिससे जब भी आप फीडबैक ले सकें, शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने के बाद लिखना हो तो पूरा पेज खाली रहे आपका। जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि आपको 3 बार तो मिनिमम फीडबैक ही रखिए। 3 बार, एक बार संतुष्ट मान लीजिए, बता दिया, 15 दिन बाद फिर पूछे, फिर अगले 15 दिन बाद पूछे। आप इस प्रकार से उसको 45 डेज तक फीडबैक रखेंगे। उसके अलावा मान लो यह भी हो सकता है कि शिकायतकर्ता जो निस्तारण किया गया है शिकायत का, उससे संतुष्ट ना हो, यह भी हो सकता है ना। इसलिए भी रहता है कि इन केस अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो तुरंत किसके संज्ञान में लाओगे आप? किसके संज्ञान में आएगा फिर? प्रभारी के, प्रभारी निरीक्षक के। वो शिकायत दूसरे को देंगे, इसकी प्रार्थना पत्र को दूसरे को देंगे, दूसरे उप निरीक्षक या जिसको भी दिया, और फिर जब शिकायत निपट करके आई तो अंतिम निस्तारण तक यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। इसलिए एक पेज में केवल एक लिखना है, ये एकदम याद रहे, क्लियर रहे। तो मैं हर बार कह चुका हूं ये। और देखो ये ऐसे ही होना चाहिए, ठीक, इस पेज पे पूरा एक रहे। अब इसमें फीडबैक कहां लिया है ये बताओ मुझे, कहां है ये? तो यहां आपने लिखा कि इस पे लिखना चाहिए फीडबैक तिथि, ये हुआ आज दिनांक, इतना ही नहीं, यहां तो आपने शिकायतकर्ता के नाम पता में लिख दिया। यहां पर आपको लिखना चाहिए पेन लाइन, ये क्या होना चाहिए हेडिंग यहां पे, फीडबैक वन या फीडबैक फर्स्ट। आपने फीडबैक फर्स्ट लिया, कितनी तारीख को लिया? 18-12-2021 को, 18-12 को लिया है, आज ही लिया है। हाँ, आज 18 है, 19 तारीख, सॉरी। तो आपने ये कर दीजिए फीडबैक फर्स्ट 18-12-2021। अब इसके बाद 15 दिन बाद दोबारा, जिसे उसने बताया को संतुष्ट है, रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं या संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन बाद आपने फिर लिया, फीडबैक सेकंड हो गया, फीडबैक थर्ड हो गया। अगर वो संतुष्ट नहीं है फिर फीडबैक चलता रहेगा, आपके पास ये पेज खाली है, पड़ा रहे, संतुष्टि तक फॉलो अप होना है। और अगर संतुष्ट हो गए तो भी मिनिमम 3 बार फीडबैक लिया जाना है, 15-15 दिन के अंतराल पे, ठीक। ये चीज फॉलो करना है बेटा। शिफ्ट वाइज लग रही है ड्यूटी, एक शिफ्ट में कितने लोग हैं? एक शिफ्ट में 2 लोग हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या देखते हो बेटा, जन सुनवाई वाला है? हाँ, रजिस्टर। अच्छा, ओके, सामान्य रजिस्टर जो हमारे मेंटेन हो रहे हैं उनका है। ये चुनाव रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हो? अच्छा, कितने चुनाव सेंटर्स हैं? 21। इनसे इनको जानना चाहिए, वेद बताओ, 21 हैं ये मतदान केंद्र हैं, और मतदेय स्थल कितने हैं? 14-24। पक्का? कुछ कंफ्यूजन है?
तुम बताओ। मतदान केंद्र 21 है, मतदेय स्थल 24 है, ये सही है? मतदेय स्थल समझ रहे हो, पोलिंग सेंटर हो गया मतदान केंद्र आपका, और मतदेय स्थल हो गया पोलिंग बूथ। एक आपके एक सेंटर पर अगर 5 बूथ है, किसी सेंटर पे 6 बूथ है, किसी सेंटर पे 2 बूथ है, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा जिसमें एक बूथ होगा, तो ये कैसे हो सकता है कि 19 सेंटर पे 21 बूथ हो? दोनों लोग कंफ्यूज हो, केवल 21 बूथ है, उदयपुर कट गया सर, आपके पास केवल 21 बूथ है, 10 सेंटर या बूथ? सेंटर। हाँ, बूथ कितने हैं? बूथ नहीं आइडिया ना, तो इसको मैं कह रहा हूँ बूथ पर भी ध्यान दें, क्योंकि बूथ का मतलब हो गया कि हर बूथ की अलग अलग लाइन लगती है, और आपका बूथ किसी न किसी गांव या मजरे को या मोहल्ले को इंगित करेगा, तो उसी आधार पर आपकी निरोधात्मक कार्रवाई होनी है। चुनाव को लेकर के निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दीजिए, विशेष करके जो लाइसेंसी हथियार हैं उनका वेरिफिकेशन के साथ साथ, जो लोग यूजलेसली मतलब रखे हों कहीं पर, इंटरेस्टेड ना हो, तो उनका वेरिफिकेशन शुरू हो जाए। बहुत सारे हथियार बाहर भी होंगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पर हों, बाहर रह रहे हैं, तो उनका वेरिफिकेशन समय से जमा करने की कार्रवाई, और NBW का तामीला, ठीक, ये दो प्रक्रिया आपको बिल्कुल अभी से गति देनी है। और निरोधात्मक कार्रवाई भी आप पिछले चुनाव और इस चुनाव के बीच में भी जो चुनाव हुए हैं उनमें भी जो लोग किसी भी रूप में कभी भी फिजिकल वायलेशन में लगे रहे हैं, मान लीजिए किसी खिलाफ NCR बॉडी ऑफेंस की दर्ज है, FIR दर्ज है, तो आपको क्या करना है, उन सबको निरोधात्मक कार्रवाई के दायरे में ला देना है। 107 116 की कार्रवाई कब मानी जाएगी, जब 117 में बदल जाएगा। 117 की कार्रवाई अगर आपने कर ली है CRPC की, तभी आप उनका 122 के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई ठीक उसी प्रकार करा सकेंगे जैसे जंगेस्टर अधिनियम में आप जब्तीकरण की कार्रवाई कराते हैं। 14-1 में HS की क्या स्थिति है, कितने हिस्ट्री सीटर्स हैं अपने? 59। कितना? 59। अच्छा, रजिस्टर मेन रजिस्टर्स जो मैं बता रहा हूं उनको वहां लेके आना है आपको। कौन है मुंशी, कौन है? आए इधर है, आइए ऑफिस में आइए। अच्छा, ये ऑफिस है अपने, रजिस्टर बेटा निकालो, फ्लाई सीट, ठीक है, HS की फ्लाई सीट समझ रहे हो ना, फ्लाई सीट निकाल लो, त्योहार रजिस्टर निकाल लो, गुंडा रजिस्टर, ठीक, और इसके बाद NCR जांच रजिस्टर, SC ST और महिला उत्पीड़न संबंधी अपराध, और समाधान दिवस और संपूर्ण समाधान दिवस, और इसके अलावा हत्या बलवा रोकथाम रजिस्टर, इतने रजिस्टर निकाल करके लेकर के आओ, ठीक, लेकर के निकाल करके आओ ऑफिस में, आओ बेटा, इसमें बनवा रहे हो, इस केबिन में, ठीक, बढ़िया। और ये क्या है ऑफिस? कब तक बन के तैयार हो जाएगा महिला हेल्प है? दिवसा अधिकारी कौन है डे ऑफिसर? एक तो दिवसा अधिकारी और एक रात्रि अधिकारी होते हैं ना, 12-12 घंटे की शिफ्ट वाले। इधर आइए, आप ही हो दिवसा अधिकारी? आप ही हो, अच्छा, आप तो दिवसा अधिकारी के रूप में, देखो पहले भी यहां पर एक बार कंप्लेन मिल चुकी थी आपके आने के पहले की, इसलिए मालूम होगा जो बाद में देहात क्षेत्र में कि कोई व्यक्ति ने शिकायत की थी कि यहां आया, और उसकी उस समय गुमसुदगी नहीं लिखी गई थी, बाद में जो इंसिडेंट हुआ था देहात क्षेत्र में, तो जो भी दिवसा अधिकारी रहे रात्रि अधिकारी रहे आप परफेक्ट जिम्मेदार होंगे, कोई भी शिकायतकर्ता आया तो वो हर हाल में अटेंड किया जाना चाहिए, इंश्योर करिए, अगर वो FIR के लिए आया है तो भी आप तुरंत FIR दर्ज करिए, आवश्यक जहां भय समझ रहे हैं आप इमीडिएट अपने, अगर यहीं पर उपस्थित हैं प्रभारी उनसे बताइए, नहीं उपस्थित हैं फोन से बताइए, या जहां भी आवश्यकता है जो भी हमारी सेट प्रैक्टिस है बताने की बताइए, लेकिन
हमारी प्रैक्टिस के कारण ये स्थिति कतई ना हो कि वो अनअटेंडेड हो। बात समझ रहे हो ना, अनअटेंडेड नहीं होना चाहिए, उसका जो भी ग्रीवांस है तत्काल देखा जाए, ये निश्चित करना है। रजिस्टर मंगा लोगे आज के। सीजीटीएनएस है यहाँ पे, ठीक बढ़िया। आप लोग बताओगे आईजीआरएस में क्या रैंकिंग है हमारी थाने की इस समय, निकाला है देखा है? अच्छा, तो जो भी लंबित है थाना स्तर पर भी इनको समयबद्ध तरीके से सबका और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो जाए, किसी भी रूप में कोई भी डिफॉल्ट में न जाए और किसी भी रूप में ऐसी स्थिति ना हो कि कोई असंतोष की ही परिभाषा में आवे, जो हो निस्तारण होता जाए। विवेचनाओं के निस्तारण में क्या स्थिति है? विवेचनाएं तो बहुत कम हो गई सर, और इनका 203 है। रैंकिंग क्या है विवेचनाओं के, आप निकाल करके प्रिंट आउट लेकर के आइए, देखें कि क्या है कि पूरा ओवरऑल कितनी टेंडेंसी में दुरुस्त है काफी। तो दे दिए आपने, इधर मेहनत कराई, क्योंकि मैं पिछली बार आया था तो साफ सफाई की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो साफ सफाई तो काफी बढ़िया दिख रही है, ये कक्ष तो था लेकिन मुझे लगता है कि ये हाँ इस तरीके से नहीं था, तो इसके लिए साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी रखवाने के लिए इनको अपनी तरफ से प्यारो सा इनाम भी हमारी तरफ से वेद प्रकाश जी के लिए लिखिएगा इसमें।